नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण यादव, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमेज SMT 1.2 पेट्रोल का जो वेरिएंट है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ आपको देखने को मिलती है और क्या क्या कितनी इसकी प्राइसिंग है वगैरह। जो भी कुछ आपको न्यू कार लोगे तब मिलेगा वो सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग अगर हम फ्रंट से करें तो आप ये देख सकते हो इसका बोनट जो है वो नीचे की तरफ है, जैसे ये देख लो और ये देख लो एकदम नीचे की तरफ इस टाइप में। और अगर फ्रंट में बात की जाए तो ये देख लो इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और नीचे की तरफ ये DRLs मिल जाती हैं और जो लाइट है वो आपको LED नहीं मिलती है, हैलोजन बल्ब भी मिलता है। और नीचे की तरफ अगर देखी जाए तो यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप लगवा सकते हो बाद में। ये कुछ क्रोम की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है और ऊपर की तरफ ये जो क्रोम है ये देख सकते हो आप, ये पूरा क्रोम आपको देखने को मिल जाता है। बीच में होंडा की बैजिंग मिल जाती है और नीचे आपके यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी और कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस मेन बात आती है भाई अमेज वगैरह में, क्या चीज़ है कि अमेज ले तो लेते हैं लेकिन उसमें बाद में दिक्कत आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस। तो मैं आज आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखाऊँगा कितना इसका स्पेस है नीचे। जैसे कई बार क्या होता है गाँव में रोड पे अड़ जाती है, तो ये देख लो इसका इतना ग्राउंड क्लियरेंस है, मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितना है। और अगर टायर साइज की बात करें तो भाई ये देख सकते हो टायर साइज 175x65R14 14 इंचीज आपको इसमें रिम मिल जाती है, ये देख सकते हो आप पूरा टायर साइज। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये देख सकते हो आपको ये मिरर्स मिल जाते हैं, इसके मिरर आपको ऑटो फोल्डेबल और ऑटो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये देख लो इंडिकेटर की ये DRLs आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और अगर इसके ऊपर बात की जाए तो आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है जो कि ये देख सकते हो आप। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाएगा। और पीछे की तरफ बात की जाए तो ये देख लो भाई पीछे से इसका रियर लुक। अगर भाई रियलिटी में बात की जाए अमेज की तो यार अमेज तो ये वैसे एक नंबर कार है इस सेगमेंट में, बेस्ट कार में मानी जाती है, सेडान जो है बेस्ट सेडान मानी जाती है। तो अगर देखें तो यहाँ देख सकते हो आप अमेज की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको जो है इसकी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है जो कि ये बहुत ही मस्त लुक दे रही है। यहाँ से ये देख लो आपको आधी जो देख सकते हो आप यहाँ से कटिंग और फिर आधी बूट में आपको जाके यहाँ पे मिल जाती है। और ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे की तरफ बात करें तो ये आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 1, 2, 3 और वो उधर कोने में 4, ये देख सकते हो। बीच में आपको होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है और ये IVTEC की बैजिंग देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप ये ग्राउंड क्लियरेंस इसका देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। और बूट स्पेस की बात की जाए तो ये देख लो, मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ इसका कितना बूट है। ये देख लो भाई ये इसका इतना बूट है। अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो भाई आपको ये 420 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। और ये कुछ ट्रायंगल मिल जाता है आपको, वार्निंग ट्रायंगल, और नीचे की तरफ आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है और कुछ इतना स्पेस ये देख सकते हो आप ये देखने को मिल जाता है। अगर ये पूरी मैटिंग हो रखी है यहाँ पर देखी जाए तो। अब इसको बंद करते हैं और चलते हैं कार के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको कार में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और अगर की बात करें दोस्तों तो की आपको इस टाइप की देखने को मिलती है, ये देख लो, तो हमें इससे ही अनलॉक करनी पड़ेगी। और चलते हैं कार के अंदर, और कार के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं हम, और अगर बात करें डोर साइड की तो ये देख लो आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाए, पावर कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, और ये भाई मिरर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अंदर बात करें अंदर बैठ के तो मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ, अंदर बात करें तो मैं आपको की लगा देता हूँ एक बार। और ये देख लो इसका स्टेयरिंग व्हील। अगर बात की जाए तो लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन करनी है या फिर फ़ोन पिक करना है कट करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस साइड में देखे जाए तो ये देख लो आपको पूरा जो है एक्सेस करने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है जो कि एक डिसएडवांटेज तो नहीं है भाई, आपको टॉप मॉडल लोगे तो आपको टॉप मॉडल में वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि टच में नहीं होता है। नीचे की तरफ आपको सारे AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं
और ये देख लो भाई 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, और ये 1 एम्पेयर का सॉकेट आपको जो चार्जिंग सॉकेट है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आप लगा सकते हो 12 वोल्ट तक। और कुछ नीचे की तरफ बात की जाए अगर, हाँ ये देख लो भाई कुछ इतना स्पेस, अगर भाई अमेज में स्पेस की बात की जाए ना तो स्पेस तो इतना है अमेज में जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई, स्पेस के मामले में ही जानी जाती है। और यहाँ पे देख लो गियर नॉब, आपको इस टाइप का गियर नॉब देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बेस्ट है। ये देख सकते हो आप बहुत प्यार आराम से लग रहा है। और ये देख लो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है जो कि अंदर कार के अंदर पूरी, ये देख सकते हो आप ब्लैक एंड क्रीम टाइप की जो फिनिशिंग है वो रखी गई है। ये देख लो जो लुक है वो इस टाइप की रखी गई है। मिरर की बात की जाए तो ये देख सकते हो भाई मिरर जो कि बहुत बेस्ट है। और अगर इसके पीछे की तरफ बात करें तो मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ कि कितना आपको इसमें स्पेस देखने को मिलता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ये देख सकते हो भाई जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा स्पेस। ये देख लो एक और बेस्ट चीज़ आपको यहाँ पे देख लो एक और पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत बेस्ट है। ये चीज़ तो होनी चाहिए भाई, जैसे कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं हम और फिर दिक्कत आ जाए पावर की या फिर चार्ज नहीं हो मोबाइल, तो यार पीछे की तरफ भी ये सॉकेट है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसे डोर में देखें तो आपको एक सिर्फ मिरर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और पीछे अगर मैं पूरे रूम की बात करूं तो पूरा बेस्ट रूम देखने को मिल जाता है। मैं अपनी तरफ कैमरा घुमाता हूं, ये पूरे हेड रूम की बात की जाए तो यार ये देख लो पूरा आपको इतना स्पेस जो है हेड रूम पे देखने को मिलता है। और बहुत सी मतलब एक चीज़ देखें तो पूरे हिसाब से पूरा बेस्ट स्पेस जो है आपको मेज में देखने को मिल जाता है। ये देख लो भाई कल ही शोरूम में से निकल के आई है, और आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देख लो ये आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई मेन, अगर इसको आप ऊपर कर दोगे तो आप 3 बंदे आराम से बैठ सकते हो, वरना आपको 2 बंदों को आराम से बैठने पड़ेगा। इसको आप ऊपर कर दो, अगर आप 2 ट्रैवल 4 ट्रैवल कर रहे हो 2 आगे बैठ जाओ 2 पीछे, और पीछे आपको ये कप होल्डर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो आप इस टाइप से इसको वापस लगा सकते हो और ये आपकी पूरी सीट बन गई 1, 2 और 3। तो भाई और ऊपर की तरफ बात की जाए तो ये आपको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हैलोजन ही होगी मेरे हिसाब से। हाँ ये देख लो हैलोजन लाइट है। तो भाई ये थी कुछ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।